जब गैरेज स्टार्ट किया मेरे पास में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिखाओ कैमरा, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा स्क्रैप से मैंने एक पेटी खरीदा था और इसी से मैंने गैरेज का उद्घाटन किया था, ओपनिंग किया था। और आज देख सकते हैं कि आपके भाई के पास में दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास में जो स्पेशल टूल है, ये तो बहुत कम मैंने दिखाए हैं, और भी मेरे पास में ढेरों टूल पड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा स्पेशल टूल है, ये वाला और ऐसे काफ़ी स्पेशल टूल है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतने टूल बिछा दिए ना कि मेरे को जगह कम पड़ गई। अभी समझ लो, अगर मैं पूरे के पूरे मेरे गैरेज के टूल यहाँ पर लगाऊंगा तो दूसरा इस तरह का पूरा टेबल भर जाएगा। लेकिन जो मेन मेन इम्पोर्टेंट मेरे पास में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी काफ़ी ऐसे टूल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मेरे पास में ये पूरे के पूरे स्पेशल टूल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा कि हमारे पास में हमने जो कंपनी से टूल मंगाए हैं स्पेशल टूल, वो दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो टूल है, ये जॉनडियर के लिए है। जॉनडियर ट्रैक्टर होता है उसका प्रेशर प्लेट खोलने के लिए ये वाला टूल यूज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कुछ डिजाइन ये इस तरह से पूरा है, और ये वाला जो नट है उसके नीचे बैरिंग लगा हुआ है। देख सकते हैं जो स्पिंडल में लगता है ना, पिंपिंग वगैरह में ट्रैक्टर की, ये वाला बैरिंग है। तो जब भी हम इस पर कोई भी बल देंगे ना, जैसे टाइट करेंगे, ये बिल्कुल ईजिली घूमेगा। तो इस वजह से कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन किया है, और ये पूरा इस तरह से खुल जाता है। तो ये जॉनडियर के सभी मॉडल में ये प्रेशर प्लेट खोलने के लिए, क्लच असेंबली खोलने के लिए ये टूल हमें बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक है। और इसका पूरा सेट है ये वाला, और ये तीन पट्टी आएगी जिस पे आपने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जॉनडियर ट्रैक्टर 5103 5103 SMD क्लच फिंगर हाइट सेटिंग स्पेशल टूल। तो ये फिंगर का हाइट सेट करने के लिए, ये जैसा मैंने बताया 5103 5103 इसमें ये फिंगर का सेटिंग है, और ये पीटीओ के सेटिंग के लिए, पीटीओ का जो फिंगर है देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी मॉडल में लग जाएगा। और इसी तरह से ये वाला गेज है, इसमें लिखा है 5310 5503 S, ये मेन फिंगर सेटिंग के लिए है, और ये पीटीओ के लिए सभी मॉडल में सेम लगेगा। ये पूरा का पूरा सेट आएगा, है ना। उसके बाद आगे देखोगे यहाँ पे तो ये वाला मेसी का क्लच सेट करने के लिए, जो मेसी देख सकते हैं यहाँ पे, जो ड्यूल क्लच है 241 245 वगैरह ट्रैक्टर में जो डबल क्लच आता है ना, ड्यूल क्लच वाला, उसका फिंगर सेट करने के लिए ये स्पेशल टूल है, और ये पीटीओ का फिंगर सेट करने के लिए साथ में कंपनी ने इसका गेज दिया हुआ है। तो ये इस तरह से सेट होता है, ये भी इसका सेट है। तो ये वाला एक टूल देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला टूल देख सकते हैं, स्टेयरिंग आर्म रिमूवल टूल, और ये युवराज वगैरह का टाइमिंग गेयर निकालने में भी ये टूल बहुत ही काम आता है। इसका मैंने वीडियो डाला है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, और उसका मटेरियल भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरह से उसको डिज़ाइन किया है। तो ये वाला एक टूल है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये मेसी, जिसका टॉप साफ का जो सील होता है ना, वो सील बिठाने के लिए, ये पुराने मॉडल का है मेसी का। और इसी तरह से ये नोजल पुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग दो रोड है, इसका पूरा सेट आएगा ऐसे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 का चूड़ी है और इसमें 17 का, तो ज़्यादातर ट्रैक्टरों में 19 और 17 दो नंबर का ही नोजल आता है, तो ये लग जाएगा नोजल निकालने के लिए, ये स्पेशल टूल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये मेसी का जो डबल क्लच वाला होता है ना, ड्यूल क्लच, उसका सेंटर करने के लिए क्लच का सेंटर, क्लच पेट का, तो उसका स्पेशल टूल है। देख सकते हैं यहाँ पे पीटीओ वाला क्लच लग जाएगा, क्लच पेट, और यहाँ पे मेन क्लच पेट लग जाएगा, और ये हिस्सा बेयरिंग में चला जाएगा। कभी जॉब आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये महिंद्रा का स्पेशल टूल है ना, ये जो चूरी सीट होती है ना महिंद्रा के डिस्ट्रीब्यूटर में हाइड्रोलिक के, वो खोलने के लिए स्पेशल टूल कंपनी ने किस तरह से डिजाइन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये वाला स्पेशल टूल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टूल, ये मेसी का जो टाइमिंग सील होता है, टाइमिंग प्लेट में जो सील लगता है उसको फिट करने के लिए कंपनी ने ये वाला स्पेशल टूल बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला टूल, जो फार्मटेक का टाइमिंग सील होता है उसको बिठाने के लिए ये वाला देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनर रिमूवर, केवल ये रॉड है, देख सकते हैं ये इस तरह से आएगा। अगर आपको पूरा नहीं खरीदना है, केवल आपको ये रॉड चाहिए, तो वो कंपनी अलग से भी देगा, इस तरह से देख सकते हैं। इसमें भी ये बेयरिंग लगा हुआ है नीचे की ओर, तो ये लाइनर रिमूवल रॉड है। उसके बाद देख सकते हैं ये स्टीयरिंग कूलर, इसका पूरा सेट आएगा, ये वाला, ये वाला, ये पट्टी और ये पूरा, इतना सेट आएगा। ये स्टीयरिंग कूलर है, तकरीबन ट्रैक्टरों का स्टीयरिंग व्हील निकाल देता है। मैंने एक वीडियो इसका भी डाला है, इसको कैसे यूज किया जाता है, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन उसमें डिजाइन अलग था, वो राउंड वाला था, और ये चौरस बना दिया चकोर, देख सकते हैं। तो ये वाला इसका पूरा इस तरह से सेट आएगा। इसको कैसे यूज करते हैं उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वहां से वीडियो पूरा देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये महिंद्रा का काउंटर साफ का बेयरिंग निकालने वाला पुलर है ना, तो ये वाला। उसके बाद देख सकते हैं ये पूरा सेट आएगा, ये रॉड और ये सारी की सारी प्लेट और ये स्टैंड वगैरह। ये लाइनर रिमूवर पुलर है, कोई भी ट्रैक्टर का हमें लाइनर निकालना होता है, ब्लॉक से जो लाइनर निकालना होता है ना, इसका पूरा सेट है ये वाला। तो ये कैसे यूज होगा, मेरे पास में कभी जॉब आएगा तो उसका मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये कवर है, ये निकल जाएगा, तो इस तरह से ये पूरा रॉड है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी जॉब आया तो ये इसका यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा वीडियो बना के, कि इसको कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये व्हील अलाइनमेंट गेज, ये सभी ट्रैक्टरों में काम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने इसको किस तरह से डिजाइन किया है, ये पूरा का पूरा इस तरह से ये गेज आएगा। तो ये कंपनी के स्पेशल टूल मैंने आपको बताए, और भी मेरे पास में काफी टूल आने वाले हैं, मैंने मंगाया अभी तक आए नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मैं टूल के बारे में बहुत ही शौकीन हूँ, क्योंकि टूल खरीदना मेरा एक शौक है। मैं मेरे काम में यूज होने वाले तकरीबन टूल, बस केवल मेरे को पसंद आना चाहिए, उसका क्वालिटी पसंद आना चाहिए, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो देख सकते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पहले मैंने जब गैरेज स्टार्ट किया मेरे पास में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिखाओ कैमरा, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा स्क्रैप से मैंने एक पेटी खरीदा था और इसी से मैंने गैरेज का उद्घाटन किया था, ओपनिंग किया था। और आज देख सकते हैं कि आपके भाई के पास में हर किस्म का टूल, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा हर किस्म का टूल मेरे पास में है, कोई कमी नहीं है। आज के दौर में मेरी गैरेज में टूल के बारे में कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले ने इतना दिया है कि मेरी मौज हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है भाई की, देख सकते हैं दोस्तों। और ये बड़े बॉक्स पैनर है मेरे पास में, एयरगन वगैरह भी है, देख सकते हैं, है ना। ये हमें कोई चीज़ को घिसावट करनी है, साफ सफाई करनी है, तो ये वाला मेरे पास में एयरगन है। ये नटबोल्ट खोलने के लिए भी एयरगन है, ये बड़े वाला भी है, और ये बैटरी वाला भी है, देख सकते हैं। और ये बैटरी वाला ड्रिल है मेरे पास में, इसी तरह से ये स्पेशल टूल पिस्टनिंग बिठाने के लिए, ये बड़ा टॉमी बार, ये बड़े बॉक्स पैनर है मेरे पास में, देख सकते हैं।
और दोस्तों ये नहीं, ये काफी महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं बस, लेकिन एक बार खरीदना होता है हमें, बार बार हमारे काम में बहुत ही मदद करते हैं। ये देख सकते हैं, ये आइसर का डबल सिंगल क्लच का फिंगर सेटिंग का गेज है, ये मेसी का हाइड्रोलिक लीवर सेटिंग का गेज है, ये आइसर का फ्राइवेल का नट खोलने के लिए स्पेशल टूल है, ये मेसी का जो ड्यूरा ब्रेक आता है ना, जो बड़े हाउसिंग वाला आता है उसका सील डालने वाला ये स्पेशल टूल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको अभी लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे ये टूल देखने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि काश हम भी ये टूल खरीद सके, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको कहाँ से खरीदना होता है। तो आप देख सकते हैं ये साइड में ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ये आप, जैसा मैंने बताया, पूरे के पूरे टूल मंगा सकते हैं, उसकी कीमत वगैरह आप सीधे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दिए गए ये स्क्रीन पे जो आने वाले नंबर पे आप सीधे कॉन्टेक्ट करें और सर से आप जान सकते हैं उसकी कीमत के बारे में। तो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं इससे भी अच्छे अच्छे और भी वीडियो लाने वाला हूँ टूल के, तो आप आने वाले हमारे वीडियो देखना भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप किसान हो या मैकेनिक हो तो आपने हमारा चैनल अब्दुल कुरट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आपका चाहिए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरट रोजाना ट्रैक्टर मरम्मत से जुड़े नए नए वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज आप हमारे इस नए काम में हमारे साथी और सहभागी बने, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो हमारे और मैकेनिक भाइयों में, हमारे किसान भाइयों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये स्पेशल टूल के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।